तो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू द प्लेस। और आज की इस वीडियो में आज हम फिर से खेलने वाले हैं फैस्मोफोबिया। तो उससे मेरा क्या फायदा? या पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने अपने दोस्त के साथ खेला था, लेकिन आज हम लोग सोलो रन करने वाले हैं। जैसे तो देख सकते हैं हमारे पास काफी सारे $400 है, तो जिससे हम अच्छा बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने कुछ यूट्यूब में टिप ढूंढ कर है कि हम स्मच से घोर से बच सकते हैं, वो बेसिकली अंधा हो जाएगा। तो हम पहले स्मच लेने वाले हैं। कहाँ गया ये स्मच? स्मच ये रहा, स्मच ये है स्मच। ठीक है, तो इससे तो हम घोस को ब्लाइंड कर सकते हैं। तो हम दो ले लेते हैं, दो ही ले सकते हैं। फिर ये क्रूसीफिक्स, इससे तुम घोस का हंट प्रिवेंट कर सकते हो दो बार अगर घोस रूम में लग जाए। तो ये भी ले लेते हैं भाई, हम लोग सब ले लेंगे क्योंकि हमारे पास पैसों की कमी नहीं है। हम ये सैनिटी पिल भी ले लेंगे क्योंकि सैनिटी कमी नहीं चाहिए। ठीक है, अभी ये कोई ज़रूरत नहीं है। हम लेंगे एक ट्राईपॉड, हाँ ये भी सही है। एक ये भी ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं, और एक काम करते हैं सभी ले लेते हैं ये। अच्छा चलो, इसे कहते हैं पैसों को उड़ाना। 400 से 100 में आ गए। चलो कोई नहीं, चलो एक मैक लगाते हैं और देखते हैं कि हम लोग क्या खेल पाएंगे कि नहीं। अच्छा कैम साइड से सब डिफिकल्ट कैम साइड हैं। कैम से मुझे अच्छा लगा, लेट्स प्ले कैम साइड बॉय। ओके बूम, ठीक है। ओ ये मेरे को किसने मारा? अच्छा तो ये है कैम साइट, ये हम लोग का भाई। सबसे पहले हम लेंगे टेम्परेचर, जहाँ पर टेम्परेचर कम आएगा उधर ही घोस रूम होगा। हम ये कैमरा ले लेते हैं ताकि हाँ, तो अभी देखते हैं कैमरा लेते हैं, फिर लेते हैं हम ये डॉट्स ताकि मैं वो मार्क कर लूँ, और ये सॉल्ट। चलो भाई अपुन का हो गया, अपुन का हो गया, अपुन सोलो रन करने। वैसे मैं सोलो कर रहा हूँ तो मुझे टेम्परेचर को ढूंढना पड़ेगा। अला ऊर्जा बोर्ड देखो, कर सब जगह फ़ोटो लो पहले, क्योंकि मुझे अभी करना नहीं है। नहीं नहीं इधर नहीं है। अला बोन व्हाट द लक भाई, मेरे से पहले भी कोई आया था, इसका भी यही हाल हो गया होगा। घोस ने रीढ़ की हड्डी छोड़ी है सिर्फ। बोलो जुबा केसरी। What the? -2, freezing, भागो। पहले क्रूसीफिक्स लगाना पड़ेगा क्योंकि हंट कर सकता है। देखो 100 सेनेटी पे उसने एक इवेंट किया, माँ कसम बोल रहा हूँ फ्रीजिंग है। तो सबसे पहले, और मैं सोलो कर रहा हूँ इसलिए मुझे अकेले ही करना पड़ेगा। फ्रीजिंग अच्छा। चलो हंट मत करियो प्लीज। भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? हंट मत करियो प्लीज। अरे वो सॉल्ट, ये देखा उधर है वो। ये देखो डॉट्स में चला, डॉट्स में चला, फ्रीजिंग आया, क्रूसीफिक्स जलाया मुझे। देखो डॉट्स में चला, ठीक है डॉट्स में चला, क्योंकि वो डॉट्स में दिखाए तभी, या वो पता नहीं कौन सा भूत है। देखो डॉट्स और फ्रीजिंग, मुझे नहीं पता ये कौन सा भूत है, क्या भूत एग्जिस्ट भी करता है? डॉट्स और फ्रीजिंग। यू मीन ये एक ही भूत हो सकता है जो तुम्हें दिख रहा है, ये है द ओनी। ओनी सबसे, मतलब तुम कह सकते हो एक डीमन का कजिन है, और डीमन का कजिन होने के कारण ये द मोस्ट एक्टिव घोस्ट, रिमेन विजिबल फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ड्यूरिंग हंट। हंट के दौरान ये बहुत ज़्यादा विजिबल रहता है। तुम बोल सकते हो यार ये डीमन का कजिन, लेकिन डीमन से बेहतर नहीं है। डीमन कौन है वो जल्दी हंट करता है, वो भी मैं बाद में बताऊँगा। तो ये है ओनी। अब ओनी के लिए देखो हमें EMF परफेक्ट गेम हो जाएगा। कर सब्जेक्ट हम कर सकते हैं क्योंकि ओनी राइटिंग वाइटिंग देगा नहीं। तो यह हो गया इट्स अ ओनी। अगर मैं मर भी जाऊँ तब भी ठीक है, क्योंकि ये मुझे लग रहा है ये ओनी। तो हम EMF 5 वो दे। यो बॉय इट्स अ ओनी। सबसे अभी तो चलो ओनी इजी गेम करेंगे। ओनी देखो मुझे नहीं पता ये बुढ़ा है।
चलो चलो इंफॉर्मेशन बोलो अपनी। ए ये देखो वो देखो वो देखो वो देखो साले को देखो, बहुत विजिबल है। बोलो जुबा केसरी। फंड खत्म ही होनी है, बहुत विजिबल है जैसे तुम लोग देख सकते हो, बहुत विजिबल था। अय्या वैसे जो मैंने किया वो ऊजा बोर्ड है, तो ये अगर तुम देखो कितना डॉट दे रहा है, कितना डॉट दे रहा है, ये है ओनी। वैसे मैं इसको बोलता हूँ ओनी चैन, तुम लोग देखो कौन सा तुम बोलते हो ओनी चैन है। तो चलो इट्स ओनी।